हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th में जो हम चैप्टर बात कर रहे थे, सेकंड चैप्टर मात्रक एवं विमाय, यूनिट एवं डायमेंशन की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने मात्रक टॉपिक हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था और मैंने आपको मात्रक के बारे में कुछ बेसिक बताया था। मैंने ये आपको बताया था मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, एक मैंने बताया था आपको मूल मात्रक, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों के लिए जो मात्रक काम में लाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? किलोग्राम। मैंने उसके बाद की दूरी, लेंथ, दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ भी दूरी हो उसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर। समय, समय का मात्रक बच्चों क्या बताया था आपको? सेकेंड। तापमान, तापमान का जो मात्रक होता है, तो तीन चार मात्रक है पर हम लोग काम में लाते हैं केल्विन। उसके बाद विद्युत धारा, आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका एम्पियर। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो प्रदीपन तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, मात्रक होता है कैंडेला। और लास्ट में एक और था पदार्थ की मात्रा, मात्रक क्या है उसका बच्चों? मोल। तो बच्चों सात बेसिक राशियां और सात उनके मूल मात्रक ये हमने बात की थी। बच्चों इसके बाद हम एक बात पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। देखो बच्चों, मूल राशियों के लिए जो मात्रक थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। वैसे ही व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक काम में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के लिए, व्युत्पन्न राशियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक, लाए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। तो बच्चों मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, जैसे बात करो उदाहरण, बच्चों मात्रक को रटना नहीं, मात्रक को कभी भी बच्चों रटना नहीं है, मात्रक को क्या करना है बच्चों? समझने की कोशिश करनी है, उसको उसके सूत्र से क्या करना है? बनाने की कोशिश करनी है, तब तो बहुत समझदारी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों समझो, ध्यान रखना, जैसे हम बात करें क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई पाई आर स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे, उसमें हर बार दूरी कितनी बार आती है? दो बार। चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई ले लो, चाहे पाई आर स्क्वायर ले लो, या कोई भी क्षेत्रफल का सूत्र ले लो, भुजा स्क्वायर। तो इसमें देखो वहां पे क्या है, लंबाई का चौड़ाई से गुणा, मीटर का मीटर से गुणा, आर त्रिज्या दूरी है, दूरी का दूरी से गुणा, भुजा का स्क्वायर दूरी का दूरी से गुणा, हमेशा मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर बात करें बच्चों क्या बोल सकते हैं उसको, स्पीड मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। तो दूरी के लिए क्या आएगा बच्चों? मीटर। समय के लिए क्या आएगा? सेकेंड। तो ये सारे मात्रक ऐसे बहुत सारे, मैंने तो दो ही लिखे हैं बच्चों, 90 से ज्यादा मात्रक आप लोगों को आपके सिलेबस में पढ़ने, मैंने तो खाली दो मात्रक की बात की बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। तो ये इस चीज को एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे और बढ़ाता हूँ, इस पे एक बार अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया होगा आप लोगों का टॉपिक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो कल लिखा हुआ ही था,
देखो बच्चों, हम जब भी किसी भौतिक राशि की बात करते हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, भौतिक राशि की बात करते हैं, n into u क्या लिखते हैं? n into u भौतिक राशि को एक तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? n into u। यहाँ पे n क्या है? n है आंकिक मान। u क्या है? यूनिट, मात्रक। जैसे मैं आपको बोलू ना कि जैसे उदाहरण ले लिया, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, क्या लिखा? किसी वस्तु या एक कोई भी ले ली, ठीक है, का द्रव्यमान, या खाली इस बात को समझो कितना है, 5 किलोग्राम है, कितना है? तो 5 तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोग्राम क्या है? मात्रक। तो हमेशा ध्यान रखना, एक भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या होता है? भौतिक राशि को लिखने का तरीका होता है n into u। क्या होता है बच्चों? n into u। n तो क्या है? उसका आंकिक मान। u क्या है? उसका मात्रक। बच्चों ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि n समानुपाती क्या होता है? 1/u। इसका मतलब क्या है? अर्थात मात्रक जितना बड़ा होगा, आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। मात्रक जितना बड़ा होगा, आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। इसको समझो, ये नोट में चीज लिखना। जैसे मैंने ले लिया 5 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया? आपको पता है ग्राम छोटा मात्रक है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है। तो छोटा मात्रक है तो आंकिक मान बड़ा है, बड़ा मात्रक है तो आंकिक मान क्या है? छोटा है। हमेशा ये ध्यान रखना। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। मात्रक जितना छोटा होता जा रहा है, आंकिक मान उतना ही बड़ा हो रहा है, और मात्रक जितना बड़ा हो रहा है, आंकिक मान उतना ही क्या होता जा रहा है बच्चों? छोटा होता जा रहा है। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। किसी भी भौतिक राशि के लिए ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। इसको आप बच्चों अच्छे से क्या कर लो? नोट कर लो, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियां। किसकी बात करते हैं? मात्रक पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब मात्रकों को के लिए अलग अलग पद्धतियां बहुत फेमस है, ध्यान रखना, उसकी हम बात करेंगे बच्चों। तो मात्रक पद्धतियों की हम लोग बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहली जो मात्रक पद्धति है बच्चों, वो है MKS। कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति। इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। जाना इसमें क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, बड़ा आसान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? सॉरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले दूरी लेंगे। दूरी का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये कौन सी पद्धति है बच्चों? MKS पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों? MKS।
मतलब ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को किसमें मापा जाए, मीटर को, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एमकेएस। दूसरा बच्चों सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस। क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो क्या है इसमें? दूरी का मात्रक बच्चों क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम। तो बच्चों पहली पद्धति कौन सी बच्चों? एमकेएस पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी बच्चों? सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। सीजीएस पद्धति में दूरी का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। तीसरी पद्धति बच्चों जो है अपनी वो, ठीक है, उसका नाम है एफपीएस पद्धति। इसको बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति। दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों इसमें? फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है इसमें बच्चों? पाउंड। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड बच्चों, इसका एक और नाम फेमस है, इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग थे ना, वो भारत के अंदर आए थे तब इसको लाए थे। आपने सुना होगा फिट के बारे में, गज के बारे में, यार्ड के बारे में। तो वहाँ पे ये जो पद्धति है वो कैसी पद्धति है? एफपीएस पद्धति है। देखोगे दूरी को किस में मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान पाउंड में। केक लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं? एक पाउंड का केक या दो पाउंड। तो ये एफपीएस पद्धति में आता है। और समय के लिए सेकेंड। तो ये तीन पद्धतियां होगी बच्चों। सबसे पहले एमकेएस, नाम से ही सारी बात क्लियर है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा एफपीएस, फुट पाउंड और सेकेंड। बच्चों अब ध्यान रखना इन सब का एक जो मेन इंपॉर्टेंट पद्धति है, चौथी पद्धति, उसकी हम बात करेंगे। उसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों? उसको कहते हैं एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम, इंटरनेशनल। जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं बच्चों, एस आई, इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या किया इसने? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें द्रव्यमानों को क्या करना है, मात्रकों को क्या करना है बच्चों? फिक्स करना है। क्या करना है? फिक्स करना है। मात्रकों को पूरी तरह से फिक्स करने के लिए हमें इस पद्धति की आवश्यकता पड़ी बच्चों, ध्यान रखना। किसके लिए? मात्रकों को फिक्स करने के लिए। समझो जैसे अब क्या होता है ना, अगर कई देशों के बीच में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, देशों के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात, या उसको आदान प्रदान भी बोलेंगे। अगर मात्रक समान नहीं है तब दिक्कत वाली बात है कि हमारे यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक कुछ और है, किसी और कंट्री में कुछ और है, अगर हमें चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, मात्रकों को किया किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, फिक्स कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने सुना होगा हम जब गोल्ड लाते हैं, सोना लाते हैं, तो सोना किस में आता है? तोले में आता है, तोला। अब बड़ा तोले में दिक्कत है, कहीं तो तोला क्या लेते हैं 10 ग्राम, कहीं तोला क्या लेते हैं 12 ग्राम, और कहीं कहीं क्या लेते हैं 11 ग्राम। एक ही मात्रक, मान अलग अलग, तो ये तो क्या होगी, प्रॉब्लम, एम्बिक्यूटी बोलते हैं इसको। मतलब ये अनिश्चित, मतलब ये दिक्कत वाला काम है, कहीं 10 ग्राम है, कहीं 12 ग्राम है। ये 10 ग्राम 12 ग्राम बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो क्या किया, मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कर दिया, उनको समान कर दिया,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा ही पद्धति कहते हैं। ध्यान रखना क्या किया, एक तो मात्रकों को निर्धारित किया और मात्रकों के मान के एक किलोग्राम इतना होगा, एक मीटर लंबाई इतनी होगी, उसको भी क्या किया, निश्चित किया। क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति ने मात्रकों तथा उसके मानों को निर्धारित किया गया। क्या किया गया, निर्धारित किया गया। ध्यान रखना, और बच्चों इसमें ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, बच्चों इसमें सात मूल मात्रक है। कितने हैं, सात मूल मात्रक हैं बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है बच्चों, किलोग्राम है। ध्यान रखना, द्रव्यमान की जब बात करूं, इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं केजी। क्या लिखते हैं इसको, इसका प्रतीक क्या होगा, केजी होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या है बच्चों, किलोग्राम है। इसका प्रतीक क्या होगा बच्चों, इसका प्रतीक होगा केजी। द्रव्यमान मात्रक क्या है, किलोग्राम, प्रतीक क्या है, केजी। बच्चों ध्यान रखना, ये है राशि, ये मात्रक और ये है प्रतीक। उसके बाद बात करें पहला दूरी, क्या हो जाएगा, समय, क्या सॉरी मीटर, और प्रतीक क्या होगा, स्मॉल है। तीसरा समय, समय का क्या होता है, सेकंड, प्रतीक क्या होगा, स्मॉल है। चौथा तापमान, तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, क्या यूज करेंगे, कैपिटल के। पांचवा वही मात्रक है बच्चों, अब इसमें क्या किया है, इन सब के मानों को भी क्या कर दिया, निर्धारित अच्छे तरीके से कि एक एम्पियर धारा इतनी होगी, एक केल्विन ताप इतना होगा, हर एक चीज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है बच्चों। यहाँ ध्यान रखना, प्रदीपन तीव्रता क्या होता है बच्चों, कैंडेला, मैंने आपको बता रखा है, प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सी डी। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, बच्चों यह भी बताया हुआ है, क्या होता है मात्रक बच्चों, मोल, क्या होता है, मोल, और प्रतीक चिन्ह होता है MOL, ध्यान रखिए CD। तो ये बच्चों सात मूल मात्रक है, उनके प्रतीक चिन्ह है, और ध्यान रखना सात भौतिक राशियां हैं, ध्यान रखना बच्चों, पता होना चाहिए बच्चों। इसमें नीचे वाली राशि दिख नहीं रही, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे वाला जो भी है वो दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सातवां पदार्थ की मात्रा, और क्या है उसका मात्रक बच्चों, मोल, और प्रतीक चिन्ह क्या है, MO। तो बच्चों नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया बच्चों, साइड में लिख लिया। क्या लिख लिया, साइड में लिख लिया बच्चों, नोट कर लो इसको बच्चों। तो ध्यान रखना, इसके बाद क्या किया है बच्चों, इसमें दो और चीज जोड़ी गई जिसकी हम बात करते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे वाली बात करता हूँ। इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, बच्चों आगे बढ़े। अब क्या किया इसमें बच्चों, इसमें दो नए मात्रकों को बाद में और जोड़ा गया, जिन्हें कहते हैं पूरक मात्रक। क्या कहते हैं बच्चों, पूरक मात्रक। ध्यान रखना, बाद में जोड़ा गया इनको, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरक मात्रकों को सप्लीमेंट्री यूनिट, क्या बोलते हैं इनको, सप्लीमेंट्री यूनिट। इन्हें आवश्यकता अनुसार बच्चों बाद में क्या किया गया है बच्चों, जोड़ा गया है, इसलिए इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चों दो मात्रक हैं, एक होता है बच्चों समतल कोण, जो हम कोण की बात करते हैं, और एक होता है ठोस कोण, ये होता है प्लेन एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। देखो ये जो होता है ना, ये क्या है, समतल कोण। और बच्चों ध्यान रखना, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है रेडियन,
और ध्यान रखना इसको लिखते हैं RAD, क्या लिखते हैं RAD, ध्यान रखना। आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, या 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समतल कोण, ये एक ठोस कोण। ठोस कोण का मतलब क्या है, जैसे शंकु कोण, इसमें क्या होगा, अगर इसमें शंकु में क्या होता है, ऊपर इस तरह से होता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो अगर मेरे को ये वाला कोण निकालना है, समतल नहीं 3D वस्तु है, कैसी वस्तु है 3D, तो ये कोण जो होता है इसको कहते हैं ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठोस कोण कहते हैं। इसके लिए जो मात्रक काम में आता है होता है स्टे रेडियन, और इसका प्रतीक होता है SR। ठोस कोण का मतलब कोई ठोस वस्तु है, जैसे अगर बात करें, अब अगर ये कोण निकालना है, यहाँ पे ये कोण है तीन है, एक आगे आ रही है, एक इधर इधर, ये वाला अगर कोण निकालना है तो मेरे को ये पूरा कोण निकालना पड़ेगा, अंदर वाला वगैरह सब, ये जो कंप्लीट कोण होगा इसको कहेंगे ठोस कोण। ठोस वस्तु में जो कोण बनता है बच्चों, उसको ठोस कोण कहते हैं। उसके लिए जो मात्रक काम में आता है वो कौन सा होता है, स्टे रेडियन। इसके लिए लिखते हैं क्या है बच्चों, SR, क्या लिखते हैं बच्चों, SR, और रेडियन के लिए RAD, बच्चों ध्यान रखना। तो ये बच्चों मात्रक है, इसको नोट कर लो आप, ये बाद में जोड़े गए हैं सप्लीमेंट्री, मतलब बाद में आवश्यकता अनुसार हमने क्या किया, इनको ऐड किया, इसलिए इन मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूरक मात्रक कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों मात्रक हमने समझ लिए, अब हम बात करेंगे विमाओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे समझेंगे वो है विमा है डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमा है, आप इसको पढ़ोगे तभी विमाएं समझ में आएगी, नहीं तो विमाएं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप मात्रकों को अच्छे से तैयारी करके रखेंगे, बाद में मैं आपको विमाएं बताऊंगा। तो इसको अच्छे से बच्चों नोट्स बना लो अच्छे अच्छे से, और बड़े बेसिक से चल रहे आराम से, 3 दिन क्लास चलती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आराम से नोट्स बनाए बच्चों। चैप्टर बहुत मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू बच्चों।